देर वर अ लॉट ऑफ लो फेजेस ड्यूरिंग माई जेई प्रिपरेशन। हर किसी की तैयारी में लो फेजेस आते ही हैं, किसी को भी उसको इतना होल्ड नहीं करना चाहिए। लो फेजेस को लो की तरह आप उसको छोड़ दो और आगे मूव ऑन करो। हेलो फ्रेंड्स, माई नेम इज़ उज्ज्वल सिंह एंड आई एम इन क्लास 12th। आई ज्वाइन आकाश बायजूस इन 2020 फॉर 4-year इंटीग्रेटेड क्लासरूम प्रोग्राम फॉर जेई मेन्स एंड एडवांस इन 2024। माई फादर वॉज एक्टिवली इन्वॉल्व लुकिंग टूवर्ड्स माई 9th, 10th फाउंडेशन क्लासेस एंड लॉट ऑफ एल्डर्स ऑल्सो रिकमेंडेड मी, सो दैट्स द रीजन वाई आई ज्वाइंट आकाश बायजूस। सिंस माई मिडिल स्कूलिंग आई वॉज वेरी इंटरेस्टेड इन मैथ्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, सो आई डिसाइडेड टू परस्यू जेई। दैट्स द रीजन वाई आई टुक एन अर्ली स्टेप for foundation at Akash Bijus. Akash is a very decentralized system, so in my town the only reliable source for education in foundation was Akash Bijus. मेरे को starting से ही maths, physics, chemistry में interest था, तो मैं उसमें थोड़ी high level thinking ज़्यादा आसानी से कर पाता था। और मेरे parents ने भी मेरे को hard challenges like JEE की तरफ मेरे को encourage किया और बोला कि तुम इसी field में जाओ जिससे तुम अपना talent का अच्छे से use कर सको। Completing the syllabus on time and having no backlogs during preparation is the main part of the JEE preparation. ये सबसे ज़रूरी हिस्सा है जेई के प्रिपरेशन का। बाकी आपके डेली क्लास रिवीजन और टेस्ट का एनालिसिस भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपकी जेई प्रिपरेशन में। देर वर अ लॉट ऑफ लो फेजेस ड्यूरिंग माई जेई प्रिपरेशन। हर किसी की तैयारी में लो फेजेस आते ही हैं, किसी को भी उसको इतना होल्ड नहीं करना चाहिए। लो फेजेस को लो की तरह आप उसको छोड़ दो और आगे मूव ऑन करो। वैसे ही जो अच्छे रिजल्ट आए उससे भी आप ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट मत हो, उसको भी आप छोड़ के आगे आप चलते रहो, ये मेन रहता है। बाकी मेरी प्रिपरेशन में मेरे को भी बीच में डेंगू हुआ था, और लेकिन जब भी मेरे को लो फेजेस या कोई प्रॉब्लम होती थी हेल्थ के रिलेटेड, तो मैं अपने पेरेंट्स से कंसल्ट करता था और अपने टीचर्स की गाइडेंस के ऊपर रिलाई करता था। टीचर्स प्लेड अ क्रूशियल रोल इन माय जेई प्रिपरेशन। टीचर्स ने जितने सारे बच्चों को पढ़ाया है उनके काउंटलेस एक्सपीरियंस की वजह से मेरी जितनी प्रॉब्लम्स थी वो ऑलरेडी उनने कहीं ना कहीं देखी हुई थी, जिस वजह से वो मेरे को सबसे बेस्ट तरीके से गाइड कर पाए और उनकी गाइडेंस की वजह से मैं अपना 100% एफर्ट अपनी पढ़ाई में डाल पाया। उनने मेरे जितने भी टेस्ट और रिजल्ट्स को एनालाइज करने में मेरी बहुत मदद की थी। लास्ट मंथ स्ट्रैटेजी डिपेंड करती है एडवांस और मेंस के ऊपर। थॉरो रिवीजन दोनों में इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेंस में आपको ज़्यादा नंबर स्कोर करने पड़ते हैं, तो आपको पूरा सिलेबस को अच्छे से रिवाइज करना पड़ता है, इंस्टेड ऑफ एडवांस जिसमें आप कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स को बहुत डिटेल में पढ़ के आप कर सकते हैं। और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, आपको लास्ट मंथ में अपनी हेल्थ और अपने स्लीप शेड्यूल का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, नहीं तो ये आपके पेपर के दिन पर आपके रिजल्ट पे बहुत हैम्पर कर सकता है। द बैकग्राउंड ऑफ माई जेई प्रिपरेशन वॉज सेट बाय माई पेरेंट्स। मेरे को जब भी बुरा लगता था या मेरे टेस्ट में लो स्कोर आते थे, मैं सबसे पहले उनसे ही बात करता था। वो मेरे को मेरी स्कूल एक्टिविटीज़, बाकी ऑफिशियल एक्टिविटीज़ और मेरे हॉस्टल रिलेटेड प्रॉब्लम्स में मेरे को हेल्प करते थे। फ्रॉम क्लास 11th ऑनवर्ड्स आई डीएक्टिवेटेड ऑल माई सोशल मीडिया अकाउंट्स सो दैट आई वोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड इन माई क्लास 11th एंड 12th प्रिपरेशन। और बाकी भी कुछ डिस्ट्रैक्शंस होते हैं जो फ़ोन में बाकी जगह से हो जाते हैं, उन सब के लिए मैं फ़ोन को मिनिमल से मिनिमल यूज़ के लिए रखता था, जैसे कि बहुत अर्जेंट कॉल और पेरेंट्स के साथ बात करने के लिए। डिसिप्लिन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर जेई प्रिपरेशन, स्पेशली एट द लास्ट स्टेजेस ऑफ योर पेपर। वेकिंग अप इन टाइम, डूइंग क्लासेस प्रॉपरली, हैविंग रेगुलर मील्स एंड हैविंग रेगुलर बाथ्स इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर डेली लाइफ। मेरे को ये डिसिप्लिन मेरे फादर से पास ऑन हुआ था, क्योंकि वो आर्मी ऑफिसर थे और उन्होंने मेरे ग्रो अप में अपने डिसिप्लिन का बहुत अच्छे से ध्यान रखा। फॉर लेजर एंड रिलैक्सिंग आई यूज़ टू टॉक टू माई पेरेंट्स और माई फ्रेंड्स और आई यूज़ टू हैव सम स्लीप। ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स वर वेरी कॉम्पिटेटिव एंड हेल्प मी अलॉट विद माई सब्जेक्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स, और वो ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करते थे जिसमें मैं बहुत ही मोटिवेटेड रहूँ टूवर्ड्स माई स्टडी। आई यूज़ टू डू बोथ सेल्फ स्टडी एंड कम्बाइंड स्टडी। ड्यूरिंग द डे टाइम इन द क्लासेज मी एंड माई फ्रेंड्स यूज़ टू डू कम्बाइंड स्टडी सो दैट वी कुड शेयर आर थाट्स टूवर्ड अ सिमिलर प्रॉब्लम एंड लर्न फ्रॉम ईच अदर। आई हैड अ लॉट ऑफ वीक एरियाज इन माई प्रिपरेशन इन ईच ऑफ द सब्जेक्ट्स। उसके लिए मैं अपने टीचर से बात करता था और वो मेरे लिए पर्सनलाइज्ड एक्स्ट्रा केयर रखते थे जिससे मेरे वो वीक एरियाज ठीक हो जाए। बिफोर माई मेन्स एग्जामिनेशन आई वॉज वेरी वरीड अबाउट माई बोर्ड्स एंड जेई एग्जामिनेशन। उसके लिए मैंने अपने टीचर्स को कंसल्ट किया और उनने मेरे को बोला कि तुम ज़्यादा चिंता मत करो और मेन्स की तैयारी में ज़्यादा फोकस करो, जैसे ही मेन्स हो जाएगा उसके बाद तुम बोर्ड्स के लिए अपनी तैयारी कर लेना और उसमें सिर्फ फिजिकल एजुकेशन और इंग्लिश जो भी तुम्हारे एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स हैं उसके लिए तुम अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, वो मोर देन इनफ रहेगा तुम्हारे लिए बोर्ड्स के लिए। तीनों मील्स प्रॉपर टाइम पे और हर दिन 6 से 7 घंटे की नींद बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है आपकी हेल्थ के लिए। इसको छोड़ के मैं हर शाम को फिजिकल एक्टिविटी के तौर पर अपने फ्रेंड्स के साथ शाम को खेलने भी जाता था, इससे मेरी फिजिकल एक्टिविटी और मेरी स्टडी में अच्छा बैलेंस बना रहा। आई डिड नॉट हैव अ वेरी स्ट्रिक्ट शेड्यूल ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन। मैं दिन के बाद क्लास में जैसे ही आता था तो उस क्लास का रिवीजन करता था और जो सर अपने असाइनमेंट देते थे उसी को करने के बाद और एक रिवीजन के बाद
अपना डे को फिनिश कर देता था। आकाश मटेरियल इज़ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव एंड वेरी कॉम्पिटेटिव। अगर इसको छोड़ के आपको कोई और ज़रूरत पड़ती है तो आप केमिस्ट्री के लिए NCERT कर लीजिए और फिजिक्स और मैथ्स के लिए PYQs पे फोकस करिए। FTS वर ग्रेट फॉर माई रिविजन एंड माई एनालिसिस ऑफ द लास्ट फ्यू मंथ्स ऑफ माई JEE प्रिपरेशन। द कंप्यूटर बेस्ड प्लेटफॉर्म प्रोवाइडेड बाई FTS गेव मी इन हैंड एक्सपीरियंस ऑफ एक्चुअल JEE मेन्स पेपर पैटर्न। आई हैड अ वेरी मेमोरेबल जर्नी विद आकाश इंस्टीट्यूट विद देयर वेरी डिजिटलाइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड करिकुलम लेड मी टू वेयर आई एम नाउ। देयर वेरी एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी ऑल्सो हेल्प मी। मैंने अपनी JEE की तैयारी क्लास 9 से ही शुरू कर दी थी क्योंकि ये मेरा एक पाथवे क्रिएट किया था जिससे मैं अपने 11th-12th में अच्छे से अच्छे फॉर्म के साथ अपनी तैयारी कर सकूँ। इट ऑल्सो स्ट्रेंथन्ड माय कॉन्सेप्ट्स इन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स फॉर 11th एंड 12th। आई अपीयर्ड फॉर एंथे इन 2019 फॉर क्लास 9th। आई गॉट एन ऑल इंडिया रैंक ऑफ 310 एंड आई स्कोर्ड 100% स्कॉलरशिप इन माई एग्जामिनेशन। आई वॉज इवन द सिटी टॉपर ऑफ माई आकाश एंथे सेंटर। माई एडवाइस फॉर JEE aspirants would be that you have to stay consistent during preparation and you do not have to leave backlog in your preparation. You should move on from your low backs quickly without having a set on them for a long time.